नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 311 तो इसके विपक्ष में 80 मत पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विधेयक पेश किया। भारी हंगामे के बीच उन्होंने इसे सदन में रखा, जिसका विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। बिल को सदन में पेश किए जाने पर वोटिंग भी हुई, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई थी। इस बिल का जहां बड़ी संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं, तो इसके विरोध में भी है। बॉलीवुड के 3 बड़ी अभिनेत्रियों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, मैं नहीं चाहती कि एक करदाता के रूप में मेरी मेहनत की कमाई इस बीमार ब्रिगेड परियोजना के वित्त पोषण में खर्च हो। स्वरा भास्कर के अलावा बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी और अभिनेत्री गौहर खान ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। एक ट्वीट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ईश्वर हमें बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया हर्ष। लोकसभा में बिल पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, एक अच्छी और व्यापक बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। मैं विभिन्न सांसदों और दलों को धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया। ये विधेयक भारत के सदियों पुराने लोकाचार और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है।